गुड इवनिंग एवरीवन, व्यास सर बोल रहा हूँ। आपके स्क्रीन समक्ष सीबीएसई हिंदी विषय विभाग ब एक सैंपल पेपर आपके समक्ष प्रस्तुत किया है, और वो सैंपल पेपर में क्या कहना चाहता है, किस मेथड से प्रश्न पूछे जाएंगे, और मोस्ट एमबी पेपर है इसलिए आपको इसके बारे में मेरे सामने वंदना मैडम है, वो आपको पूरी तरह एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ेंगे, खाली फॉर्मेट समझाएंगे किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और किस तरह से ग्रामर पूछे जाएंगे। उसके बाद आपको दो या चार और वीडियो बताएंगे जिसमें ग्रामर और राइटिंग स्किल, और राइटिंग स्किल में जो पोएम और प्रोज जो है उसके अंदर से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह सारे क्वेश्चन आपके समक्ष रखे जाएंगे, और इनके सारे आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यानी जो भी वीडियो बनेंगे उसको आपको कमेंट बॉक्स में देने पड़ेंगे, और उसके लिए हमने आईफोन यानी स्मार्ट वॉच रखा हुआ है। ये स्मार्ट वॉच जो भी स्टूडेंट्स परफेक्टली आंसर देंगे उनको ये इनाम वितरण में आपको दिए जाएंगे, और इसकी आंसर की अवधि है मंडे तक। मंडे के बाद हम आंसर आपको प्रोवाइड करेंगे। तो तीन से चार पेपर है जिसको आपको मोस्ट टाइम पे समझ के लिखना है, उसमें ग्रामर और एमसीक्यू के ज़्यादा पेपर है, और ये एक सैम्पल पेपर आपके स्क्रीन समक्ष है जो मैडम आपको डिस्क्रिप्शन में समझाएंगे। खाली फॉर्मेट समझा रहे हैं और उसके बाद मैं आपको पीडीएफ फाइल भेजता हूँ। धन्यवाद। अब हम आपके समक्ष वंदना मैडम प्रस्तुत हो रहे हैं और हिंदी के पेपर समझा रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम वंदना भोसले है। पिछले 25 सालों से सीबीएसई जी के बच्चों को पढ़ाती हूँ और 25 सालों से मेरा अनुभव है। तो चलिए बच्चे, जैसे पता है आपको अभी 10वीं की परीक्षाएं नज़दीक आ रही है, तो हम आगे बढ़ते हैं। पहला आ रहा है खंड और वस्तु परक प्रश्न। इसमें बच्चों इस तरीके से आपको गद्यांश पूरा दिया जाएगा जिसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। उसके बाद इस तरीके से बच्चों पूरा का पूरा गद्यांश आप पढ़ते जाइए, और उसके बाद इस तरीके से प्रश्नों को दिया जाएगा जिसके, और ये प्रश्न सारे विकल्पीय होंगे जो आपको पढ़कर उसका एक सही जवाब देना है। इस तरीके से बच्चों आपको पहले गद्यांश में विकल्पीय प्रश्न दिए जाएंगे, और प्रत्येक विकल्पीय प्रश्न क, ख, ग और घ इस तरीके से आपके सामने दिए जाएंगे। कहीं कहीं पर बच्चों जिस तरीके से आपके सामने आ रहा है पांचवा कि निम्नलिखित कथन अ और र को ध्यानपूर्वक पढ़िए, जहां पर आपको कहीं पे विकल्पीय में अ र जो आगे सवाल पूछे गए उसी को देखकर उसको पढ़कर समझकर आपको उसके जवाब देने हैं। जिस तरीके से आपने प्रथम गद्यांश पाठ को पढ़ा उसी तरह से प्रश्न दो आपके सामने गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर इसके आधार पर सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखना है, और उसके जो अंक है वो 5 मार्क होंगे, प्रत्येक एक प्रश्न का एक अंक रहेगा। इस तरीके से बच्चों आपके सामने पूरे गद्यांश दिया जाएगा जिसको आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है। पढ़ने के पश्चात जो भी प्रश्न आपको दिए जाएंगे उन प्रश्नों के आधार पर आपको विकल्पीय प्रश्न क, ख, ग, घ के हिसाब से आपको उत्तर देने हैं, और ये भी पूरे प्रत्येक गद्यांश में 5 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसके प्रत्येक में 4 विकल्पीय उत्तर आपके सामने होंगे। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं कि एक गद्यांश के अंदर 5 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और 5 प्रश्नों में 4 क, ख, ग, घ इस तरीके से विकल्पीय जवाब आपके सामने दिए जाएंगे, और उसमें से आपको सही एक विकल्पीय चुनना है। उसके पश्चात बच्चों
आपका गद्यांश और पद्यांश जैसे ही पूरा हो जाता है, प्रश्न तीन निर्देशानुसार पदबंध, यानी आप जैसे समझ ही गए होंगे आपका व्याकरण भाग यहाँ पर शुरू होता है। जैसे कि पदबंध पर आधारित पांच आपको बहुपुल विकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें से सही जहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं, यहां भी बच्चों उसी तरह से क ख ग और घ प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रश्न में विकल्पीय का एक जवाब आपको देना है। इस तरीके से आपको पदबंध के ऊपर पांच प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके विकल्पीय क ख ग और घ में आपको सोचकर उसके जवाब लिखने हैं। जैसे कि हरिहर काका धीरे धीरे चलते हुए आंगन तक पहुंचे, रेखांकित पदबंध का भेद है धीरे धीरे। तो बच्चों आपको धीरे धीरे जो रेखांकित किया गया है उसमें आपको सोच समझकर बताना है कि यह संज्ञा क्रिया विशेषण या क्रिया विशेषण पदबंध है। जिस तरीके से बच्चों आपका पदबंध के पांच प्रश्न पूरे हुए, ठीक उसी तरीके से निर्देशानुसार रचना के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित आपको प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न के अंक आपको एक है, जो पूरे चार अंक होंगे। इस तरीके से आपके जैसे जब उसने तंतारा को देखा तो वह फूट कर रोने लगी, इस वाक्य का सरल वाक्य होगा तंतारा को देखते ही वह फूट कर रोने लगी। तंतारा को देखकर वामीरो फूट कर रोने लगी, वामीरो ने ततारा को देखा और फूट कर रोने लगी, जैसे ही वामीरो ने ततारा को देखा वह फूट कर रोने लगी। इन सभी विकल्पों में से जो सही विकल्प है वो आपको सोच समझ कर उसका जवाब देना है। ये सारे बेटा जो भी है बच्चों वो वाक्य पर है, जिसमें सरल मिश्रित और संयुक्त वाक्य है आपको ढूंढने हैं। इस तरीके से आपको वाक्य के ऊपर भी बच्चों पांच प्रश्न पूछे जाएंगे और पांचों के प्रश्नों के क ख ग घ विकल्प दिए जाएंगे, जिसमें से आपको सही जवाब ढूंढना है। जिस तरीके से आपका वाक्य पूरा हुआ फिर उसी तरीके से पांचवा प्रश्न निर्देशानुसार समास पर आधारित पांच बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं आपको बच्चों चार प्रश्नों के उत्तर देने हैं, उनके भी अंक चार है। प्रत्येक विकल्पीय प्रश्न का एक अंक आपको मिलेगा। जैसे पहला प्रश्न दिया है महावीर शब्द समस्त पद कौन से समास का उदाहरण है, द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या फिर अव्ययी भाव। आपको विचार करना है और उसके आधार पर आपको सही जो जवाब है उसको विकल्पीय करना है। इस तरीके से आपको समास के भी बच्चों पांच प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके सही आपको जवाब लिखने हैं। ये सारे प्रश्न पांच तक आपके समास के रहेंगे, जिसमें विकल्पीय क ख ग घ रहेगा, जो आपको सोच समझकर इन सब के जवाबों को ढूंढना है। जिस तरीके से आपका समास खत्म हो जाएगा उसी का दूसरा प्रश्न छह आपके मुहावरे पर आधारित रहेगा कि निर्देशानुसार मुहावरे पर आधारित छह बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर, यहाँ बच्चों आपको छह प्रश्न दिए जाएंगे जिसमें से कोई भी चार प्रश्नों के उत्तर आपको सही देने हैं, जिसके अंक यहाँ पर चार दिए गए हैं। जैसे कि मुहावरे और अर्थ के उचित मेल वाले विकल्प का चयन कीजिए, चनई च यन मतलब बच्चों चुनाव करना है। जैसे गिरह बांधना मार डालना, तलवार खींचना सब कुछ नष्ट करना, पन्ने रंगना व्यर्थ में लिखना, कदम उठाना सामना करना, इन सभी में से जो सही मुहावरों का अर्थ बताया जा रहा है उसको चयन करके आपको सही जवाब देने हैं। इसी तरीके से दूसरा, तीसरा, इस तरीके से प्रत्येक पांच मुहावरे के आपको सही विकल्प चुनकर उत्तर देने हैं। यहां पर बच्चों आपको एक बार फिर बता रही हूं, छह प्रश्न दिए, छह प्रश्नों में से आपको कोई भी चार प्रश्न लिखकर उत्तर देने हैं। जिस तरीके से प्रथम हमने गद्यांश देखा उसी तरीके से बच्चों यहां पर निम्नलिखित पद्यांश, पद्यांश यानी काव्य कविता,
पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको सही देने हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए एक अंक दिया गया है, 5 प्रश्न है, मतलब बच्चों 5 प्रश्न के उत्तर आपको देने हैं। चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, घटे न हेल मेल हा बड़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी, तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। ये बच्चों काव्य दिया है जिसको आप पद्यांश कह रहे हैं, इसको पढ़कर आपको उसके आधार पर, पद्यांश के आधार पर प्रत्येक प्रश्न के उत्तर सही विकल्पीय देने हैं। जैसे कवि सभी को एक होकर चलने की प्रेरणा देते हैं, इसे ज्ञात होता है कि कवि ने पक्षधर है, किसके पक्षधर है, निरन्वयी, समन्वयी, क्रमान्वयी या दुरान्वयी। विचार करते हुए बच्चों आपको इनके सभी सही जवाब ढूंढने हैं। इसी तरीके से आपको प्रश्नों के जवाब, विकल्पीय प्रश्नों के जवाब बेटा आप लोगों को देने हैं। यहां आपको स्क्रीन पे 5 प्रश्न दिखे जिनके यहां पर विकल्प दिए गए हैं, 1, 2, 5, 1, 3, 5, 2, 3, 4 या फिर 2, 4 और 5, जिसका क ख ग घ जो ऊपर आपको स्क्रीन पे दिखाए गए थे उन्हीं के उत्तर दिए हैं। अब यहां पर आ रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न 8, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आपको उचित विकल्प का चयन कीजिए, चयन यानी चुनाव, और प्रत्येक प्रश्न 1 मार्क्स का है, 1 अंक का है बच्चों। यहां पर पहला प्रश्न दिया है कि तुम ही राम तुम ही लक्ष्मण, कवि ने ऐसा कहा है क्योंकि देश की रक्षा सभी देशवासियों का कर्तव्य है, राम और लक्ष्मण द्वारा सीता की रक्षा की गई है, सैनिक युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं, आत्म बलिदान के अवसर निरंतर बने रहते हैं। इन 4 में से आपको कोई भी एक सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखने हैं। इसी तरीके से बच्चों आपको पहला और दूसरा, जवाब ढूंढना है। अब हम चलते हैं बच्चों प्रश्न 9, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ये भी बच्चों 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्नों का 1-1 अंक दिया जाएगा। इस तरीके से आपके सामने गद्यांश दिया जाएगा, जिस गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़ते हुए बच्चों आपको प्रत्येक प्रश्न का सही विकल्प ढूंढना है। यहां पर प्रत्येक 1, 2 इस प्रकार से बच्चों आपको 5 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसके क ख ग घ 4 विकल्प दिए जाएंगे, जिसके आधार पर आपको सही जवाब लिखना है। जैसे प्रश्न 4 पूछा गया है, मेरा जूता है जापानी, रिक्त स्थान को आपने यह गीत शैलेंद्र ही लिख सकते थे, लेखक द्वारा ऐसा कहा जाना है, दर्शाता है शैलेंद्र के प्रति उनका कर्तव्य बोध, मैत्री भाव, व्यक्तित्व या अवलोकन था। अवलोकन, अवलोकन यानी देखना, यहां पे बेटा दृश्य भाव आता है। इस तरीके से आपको गद्यांश के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसके आपको जवाब देने हैं। प्रश्न 10, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए और प्रत्येक प्रश्न 1-2 का है। निम्नलिखित में से कौन से वाक्य बड़े भाई साहब कहानी से प्राप्त प्रेरणा को दर्शाते, इस प्रकार से बच्चों ये भी विकल्पीय प्रश्न है जिसके जवाब आपको ढूंढकर लिखने हैं। इस प्रकार से आपके पाठ्य पुस्तक के आधारित पर जो आपने पढ़े होंगे आपको जवाब देने हैं। तो चलिए बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं। खंड ब, वर्णात्मक प्रश्न। प्रश्न 11, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में दीजिए। यहाँ पर बच्चों जैसे कि 1, भ्रमण हम सभी के जीवन का अभिन्न अंग है, अपनी व्यस्ततम दिनचर्या के बीच
चैन से भरे कुछ पल शायद हम इसी प्रकार निकाल सकते हैं, शांत वातावरण में अपने तथा अपनों के लिए जीवन व्यतीत करना आवश्यक है। आपके द्वारा इस पाठ्यक्रम में पढ़े गए पाठ में चैन भरे पल बिताने के लिए लेखक ने क्या किया? क्या वास्तव में सभी को इसकी आवश्यकता है? अपने विचार व्यक्त कीजिए। और ये बच्चों आपको कम से कम 60 शब्दों में करने हैं। इसी तरीके से दूसरा दिया है डायरी का एक पन्ना के माध्यम से आपने गुलाम भारत के स्वतंत्रता दिवस के आयोजन के विषय में जाना। आज हम आजाद भारत में आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। देश के प्रति अपने कर्तव्य को बताते हुए पाठ से प्राप्त सीख का वर्णन कीजिए। इसी तरीके से बच्चों आपको इस वर्ष में आपने पाठ्यक्रम में लोक कथा पर आधारित एक कहानी पढ़ी है। यह कहानी समाज की विसंगतियों को दूर करने का संदेश देती है। कथन का मूल्यांकन करते हुए अपने विचार लिखिए। तो बच्चों आपको इनमें से कोई भी लिखो, लेकिन उसके 60 शब्दों में लिखना है। आगे हम बढ़ते हैं प्रश्न 12। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर आपको 60 शब्दों में देने हैं, जिसके अंक है 3। आपके द्वारा इस पाठ्यक्रम में पढ़ी गई किस कविता की अंतिम पंक्तियां आपको सर्वाधिक प्रभावित करती है और क्यों? लगभग 60 शब्दों में आपको बच्चों यहाँ पर अपने विचार व्यक्त करने हैं। कबीर और मीरा की भक्ति की विशेषताओं का आपको उल्लेख करना है। इसी तरीके से बच्चों आपको प्रश्न 13। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में देने हैं, जो एक अंक 3 का होगा। इसी प्रकार से बच्चों आपको गद्यांश दिए जाएंगे, जिसके आधार पर आपको बच्चों प्रश्न, बाल मन किसी स्वार्थ या हिसाब से चलाया मान नहीं होता, बचपन प्रेम के रिश्ते के अलावा किसी और रिश्ते को कबूल नहीं करता, टोपी शुक्ला पाठ में टोपी अपने परिवार के एक सदस्य को बदलने की बात करता है, उसकी सोच के आधार पर उसकी मनोदशा का वर्णन कीजिए। इसी प्रकार से बच्चों प्रश्न 14। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 100 शब्दों में आपको अनुच्छेदन लिखना है, जिसके अंक रहेंगे 5। जिसमें आपको दिया है पहला विद्यार्थी जीवन और चरित्र निर्माण, जिसमें बच्चों आपको संकेत बिंदु दिए जाएंगे, जैसे 2020 क्रिकेट का रोमांच, और तीसरा दौड़ती हुई जिंदगी। प्रश्न 15। आप वेणु राजगोपाल है हिंदुस्तान टाइम्स दिल्ली के संपादक के नाम एक पत्र लिखकर सामाजिक जीवन में बढ़ रही हिंसा पर अपने विचार व्यक्त कीजिए, और ये भी आपको बच्चों 100 शब्दों तक में लिखना है। ये आपका पत्र लेखन है। इसी के अथवा में आपको दिया गया है दूसरा पत्र, आपके विद्यालय में खेल की उपयुक्त सामग्री है तथा समय समय पर सभी स्तरों पर मैच का आयोजन भी किया जाता है, विद्यालय के खेल कप्तान होने के नाते प्रधानाचार्य के प्रति आभार व्यक्त करते हुए पत्र लिखिए। आपको यहाँ पे अथवा इसका मतलब है बच्चों आपको दोनों में से कोई एक पत्र लेखन करना है, और जिसके अंक आपको 5 दिए जाएंगे। प्रश्न 16। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको लगभग 80 शब्दों में सूचना लिखनी है, जिसके अंक यहाँ पर बच्चों 4 दिए गए हैं। आप विद्यालय के सांस्कृतिक सचिव है, बाल दिवस समारोह के अवसर पर विद्यालय में आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम के विवरण सहित सूचना तैयार कीजिए। यहाँ भी बच्चों आपको अथवा यानी दूसरा दिया है। अगर आपको आप रजत चट्टोपाध्याय रजनी रस्तोगी मोहल्ला सुधार समिति के सचिव है, स्वच्छता अभियान के अंतर्गत स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रमों में भाग लेने के इच्छुक लोगों के लिए एक सूचना तैयार कीजिए। यह आपको बच्चों 80 शब्दों में लिखना है, जिसके अंक 4 है। प्रश्न 17। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 60 शब्दों में विज्ञापन तैयार
करने हैं जिसका अंक आपको कुल अंक 3 है। यहाँ पर आपको दिया गया जैसे स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा योग दिवस के अवसर के प्रचार प्रसार के लिए एक आकर्षक विज्ञापन लगभग 60 शब्दों में आप लोगों को बच्चों तैयार करने हैं। और इसके अथवा में दूसरा आपको प्रश्न पूछा गया है, आपके स्क्रीन पे दिया गया है, लोकल फॉर वोकल स्थानीय उत्पादों का प्रयोग के प्रचार प्रसार के लिए एक आकर्षक विज्ञापन लगभग आपको 60 शब्दों में बच्चों लिखना है। प्रश्न 18, जैसा करोगे वैसा भरोगे विषय पर लघु कथा लगभग 100 शब्दों में बच्चों लिखना है, जिसके लिए आपको कुल अंक 5 दिए गए। इसमें भी आपको चुनाव दिया गया है, अथवा आप श्वेता कपूर शैलेश कपूर है, आप वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हिंदी की उपयोगिता जानते हैं, इसीलिए 11वीं कक्षा में विज्ञान विषय के साथ भी हिंदी अतिरिक्त विषय के रूप में पढ़ना चाहते हैं। अपने प्रधानाचार्य को विद्यालय के ईमेल पते पर ईमेल लिखकर अनुमति प्राप्त कीजिए, जिसकी शब्द सीमा बच्चों 100 है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, अस्तु। गुड इवनिंग एवरीवन। अभी आपके समक्ष वंदना मैडम ने जो पूरा पेपर का डिस्क्रिप्शन दिया है, वह सारा पेपर आपको संडे तक कंप्लीट करना है, विद सॉल्यूशन के साथ, आंसर के साथ। आपको ग्रामर भी सॉल्व करने हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंस पेपर है। उसके बाद आपके सामने 160 मार्क्स का MCQ, जिसमें ग्रामर बेस भी है, पोएम और प्रोज के क्वेश्चन आंसर भी है, वन लाइन या MCQ के माध्यम से भी जो पूछे जाएंगे, वह इम्पोर्टेंस जो है वो आपको संडे सुबह 8 या 9 बजे तक कंप्लीट करने हैं। और वह भी आपको आंसर कमेंट बॉक्स में लाके, जो ग्रामर बेस होगा वो कमेंट बॉक्स में देना है, बाकी पूरा पेपर आपको नोटबुक में या सप्लीमेंट्री में लिख सकते हो। तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंस था, इसलिए मैंने बहुत ही, हम लोग लास्ट 15 दिन से प्रयास कर रहे हैं कि आपका पेपर बहुत ही सुदृढ़ और सुंदर रूप से जाए। और ये ग्रामर जो पोर्शन है वो बहुत ही महत्व का है। इनफ फॉर टुडे, धन्यवाद, अस्तु।